वेलकम बैक टू द चैनल मैं हूँ वर्षा में बहुत वेलकम करती हूँ आपका अर्बन बॉडी केयर में आई होप आप बहुत अच्छे होंगे हेल्दी हेल्दी खाने खा रहे अपना ख्याल रख रखेंगे सो दोस्तों जैसे कि आज का वीडियो का टाइटल पढ़ के आप जान चुके होंगे आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने इन हैंड के नकल्स को आप कैसे क्लीन कर सकते हैं अगर ये आपके स्किन बहुत ज्यादा आपके फिंगर से इसके कलर बहुत ज्यादा ब्लैक हो गए हैं तो आप इनको कैसे अपने स्किन टोन से वापस मैच करा सकते हैं प्रोसेस बताने वाली हूं इससे आपके नकल्स तो ब्राइट होंगे ही होंगे साथ में आपके पूरा हैंड ब्राइट होगा साथ ही साथ में सॉफ्ट भी रहेंगे और इसे करना सुपर डुपर इजी है इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए ये सारे आपके घर में आसानी से अवेलेबल होंगे तो अगर आप भी परेशान है कि आपके पूरे हैंड्स का ये जो पोर्शन है आपके जो नकल से बहुत ज्यादा ब्लैक हो गए हैं या फिर ये वाला पोर्शन आपका बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया है तो इन सारी चीजों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोज लाती रहूं तो चलिए बिना देरी के को स्टार्ट करते हैं। ओके okay, तो सबसे पहले यहाँ पे अपने हैंड को स्क्रब करने के लिए हमें चाहिए बेकिंग सोडा लेमन और साथ में कुछ पोटैटो के स्लाइस तो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा में गाइस यहाँ पे मैंने दो टेबल स्पून पर भर के बेकिंग सोडा लिया है और इसमें मैं लेमन को स्क्वीज कर रही हूँ मेरा लेमन का साइज काफ़ी बड़ा है सो तो एक लेमन मोर देन इनफ है देन इसको आप इस तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने में जस्ट एक मिनट थर्टी सेकेंड लगता है उससे ज़्यादा नहीं इसको आप डायरेक्टली अपने हाथ पे अप्लाई नहीं करेंगे हाथ से ये एक ऐसे पोटैटो काटेंगे और उसका स्लाइस लेके अपने हाथों पे ऐसे से छोटे छोटे पोशंस लेके थोड़ा थोड़ा लेके अपने हाथों पे अच्छे से इसे स्क्रब करेंगे एक हाथ पे आपको कम से कम तीन मिनट का टाइम देना है बेकिंग सोडा जो है हमारे डेड स्किन्स को निकालता है स्किन ब्राइट करता है इसमें हमने लेमन यूज़ किया है वो भी एज अ ब्राइटनिंग एजेंट की तरह काम करता है इसमें सिट्रिक एसिड होता है और यहाँ पर हमने पोटैटो यूज़ किया है जिसकी वजह से ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है ये सारे जो भी मैंने तीनों प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं गाइज तीनों हमारे स्किन को ब्राइट करते हैं ब्लीच करते हैं और साथ ही साथ में हमारे स्किन से डेड सेल्स को निकालते हैं तो इस तरीके से मैंने अपने हैंड्स को तीन मिनट किया है देन उसके बाद एक हाथ को तीन मिनट का वॉश कर लिया है एंड गाइज फर्स्ट वॉश में ही आप डिफरेंस दोनों हाथों में क्लियरली देख सकते हैं ना मैं दूसरे हैंड पर भी फिर अगेन वही सेम प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ मैंने एक हाथ पे टाइम देख के तीन मिनट मसाज किया है इससे कम आप मसाज मत करिएगा हाँ और इसे बहुत रगड़ना नहीं इसे बहुत लाइटली हैंडेड से आपको अपने हैंड पे मसाज करना है मसाज करने के बाद हैंड वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से अब हम यहाँ पे मसाज क्रीम बनाएंगे इसके लिए मैंने लिया है ग्लिसरीन नॉर्मल अवेलेबल हो जाता है मार्केट में देन मैंने यूज़ किया है यहाँ पे आमंड ऑयल और यहाँ पर यूज़ किया है मैंने एलोवेरा जेल और आमंड ऑयल ग्लिसरीन मैंने हाफ टेबल स्पून यूज़ किया है एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पर वन टेबल स्पून से थोड़ा सा कम यूज़ किया है सबको मिक्स करेंगे एक जेल टाइप का बन जाएगा और इसको मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर क्रीम बन जाएगा जिसको अप्लाई करना बहुत ही ईजी होता है एंड गाइज इस क्रीम में जितने भी हमने इन्ग्रीडियंट्स यूज किए ये सारे आपके हाथ को मॉइस्चराइज बनाएंगे इस विंटर्स में उसे बेबी सॉफ्ट बनाएंगे इसमें हमने यूज़ किया है ग्लीसरीन वो मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा आपके स्किन को इसमें मैंने यूज़ किया है एलोवेरा जेल ये आपके स्किन पे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और साथ में इसमें मैंने यूज़ किया है आमंड ऑयल जो कि आपके स्किन को ग्लोई बनाता है और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है अपने हाथों को गाइस इस तरीके से आप पीछे की तरफ खींच के उसे मसाज करेंगे अगर आपके हाथों पर व्रिंकल्स भी है ना तो आप अगर इसे सेवन डेज़ यूज़ करेंगे तो आप इसका रिजल्ट अपने हाथों पर देख सकते हैं एंड इस तरीके से आपने हाथों को पीछे की तरफ खींच के मसाज करेंगे तो आपके रिंकल्स जो हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं हाथ से रिमूव होने में और हाथ बिल्कुल यूथफुल और बहुत ही बेबी सॉफ्ट लगते हैं और इस मसाज को गाइस आप रात में करिएगा रात में करके आप सो जाइए इससे आपके हाथों पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है अगर पॉसिबल हो तो आप ग्लव्स पहन के सोएं अगर ग्लव्स पहन के सोना पॉसिबल नहीं है अनकम्फर्टेबल है तो नॉर्मली भी आप रह सकते हैं एंड यू कैन सी द ग्लो इन माई हैंड तो गाइज आपने देखा कि मैंने कैसे आपके सामने सारी चीजों को यूज किया है और साथ ही साथ में कितने इजिली तरीके से मैंने इसको घर पे बनाया है इसको, आप इसको अल्टरनेट डेज पे रेगुलर करेंगे यानी आज किया फिर परसों किया एक एक दिन गैप कर करके आप इसे सिक्स टू सेवन टाइम्स करेंगे और देखेंगे कि आपके जो नकल्स हैं जो ब्लैक थे उनका वो बिल्कुल भी ब्लैकनेस उनकी पूरी खत्म हो जाएगी आपकी स्किन इतनी ज्यादा बेबी सॉफ्ट हो जाएगी और साथ ही साथ में मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूंगी अपने हैंड की केयर करने के लिए सबसे पहली बात जैसे कि ठंडियां आ गई ठंडियों में हमारे हाथ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं तो आप अपने हाथों को हमेशा मॉइस्चराइज करके रखें और साथ ही साथ में दिन में इनमें हमेशा सनब्लॉक लगाएं सनस्क्रीन लगाएं बहुत जरूरी है क्योंकि ठंडियों में हम बाहर धूप में बैठते हैं थोड़ा अच्छा लगता है धूप में बैठना तो सनस्क्रीन जैसे आप अपने फेस पे लगाते हैं अपने हाथों पे भी आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह अगर आप काम करते हैं घर में बर्तन धुलते हैं ये सारी चीजें करते हैं तो अगर पॉसिबल हो तो आप अपने हाथों में ग्लव्स पहने इन द केस आप ग्लव्स नहीं पहन पा रहे तो जैसे ही आप अपना काम खत्म करते हैं उसके बाद ब्रश से ले लेके अपने नेल्स को और एक बार नेल्स को अपने हैंड के बाद बहुत लाइटली हैंडेड ब्रश से इसे क्लीन कर लेंगे ताकि जो भी इसमें जर्म्स या डर्ट्स बैठ गए हैं जिसकी वजह से ये हमारी ब्लैक हो जाती है वो नहीं होगी और आपकी स्किन साफ भी रहेगी और बेबी सॉफ्ट भी रहेगी सो so गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इन द केस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड ये हेल्दी हेल्दी खाने खाते रहिएगा हेल्दी रहेगा अपना ख्याल बाय